Assalamualaikum, hello friends, welcome to my channel. और कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खैर खैरियत से होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ. तो आज मैंने अपना जो ब्लॉग है सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और चाय मैंने पी लिया है. चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रोहू फिश करी. तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था और ऑयल लेने के बाद इसमें डाला था मेथी दाना. और मेथी दाना डालने के बाद वही मैंने जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं वही मैंने यूज किया है. और उसमें मैं सरसों ज़रूर पीसती हूँ जिसे बोलते हैं राई, ज़रूर उसमें पीसती हूँ. जब भी मैं मसाले वाला मान लीजिए मछली बनाती हूँ तो मैं उसमें सरसों दाना यूज करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खाने में. इस तरह से मुझे मछली पसंद ही नहीं आता है जैसे भी बना दो. तो बस यहाँ पे मसाला भून लेने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर. थोड़ा सा मैं इसको टमाटर और मसाले को और भून लेती हूँ. उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे ना कि पानी ऐड कर देंगे. यहाँ मैंने डाल दिया है पानी. और पानी डालने के बाद इस पानी को हम थोड़ा पका लेते हैं. और फिश तो मेरी रात ही में आ गई थी लेकिन मैंने उसको सिर्फ फ्राई करने के बाद उसको मैं वैसे ही रख दिया था. मैंने पकाया उसको नहीं क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा. तो मैंने सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि मुझे बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बनाऊं. तो यहाँ पे मसाला जब भुन गया है पानी भी पक गया तो मैं इसमें अब फिश को ऐड कर देती हूँ. और इसमें इस फिश को डालने के बाद और देखिए फिश बिल्कुल जम गई है. इसीलिए फिश को खाना बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए. और मटन चिकन तो वैसे नुकसान कर सकता है लेकिन फिश नुकसान नहीं करता फ़ायदे के सिवाय. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें जो प्लेट में ऑयल था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है. अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं. और बस तो इसको हम ढक देंगे और बस थोड़ी सी इसको बस 5 मिनट तक पका लेते हैं. और यहाँ पर देखिए डाल दिए इसमें धनिया के पत्ते. तो धनिया के पत्ते डालने के बाद बस तो यहाँ मेरा फिश बन गई है. तो इसको हम आप गैस का जो फ्लेम है ऑफ कर देते हैं. और देखिए ये मेरा फिश का फाइनल लुक है. बहुत टेस्टी बहुत यम्मी. वैसे भी रोहू फिश बहुत टेस्टी बनती है. तो उसके बाद नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है. नाश्ता करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने कैमरे को बहुत अच्छे से लगाया था लेकिन मेरे हस्बैंड है ना कैमरा थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं और मैंने ध्यान ही नहीं दिया. तो बस यहाँ पे मैं किचन में नाश्ता करने के बाद अपना जो किचन का काम होता है ना स्लेप वगैरह साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना सब जो सुबह सुबह तो काम तो रहते हैं सबके लिए, सबकी ज़िम्मेदारी है. मतलब सब लोग ऐसे काम करते रहते हैं तो ये काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ. अपना जो गैस स्टोव है और जो उसका एरिया है मैं क्लीन कर रही हूँ साफ कर. अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. और कैसे हो आप सभी? और मैं हूँ रोशनारिफ और अपना ब्लॉग जो है मैंने सुबह से तो स्टार्ट कर दिया था और अब जाके मुझे टाइम मिला है तो थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ. और आज है जुम्मा. तो सबसे पहले आप सभी को जुम्मा बहुत 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 मुबारक हो. और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की है नहीं बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है. और क्या है कि इतना ठंडी पड़ रही है हमारे यहाँ ना कि वीडियो बनाना नामुमकिन है. लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती ब्लॉग बनाती. लेकिन क्या है ना कि जो 26 जनवरी वाले दिन मैंने क्या किया था कि मतलब कि नहाई थी और नहाने के बाद मैंने सारा कुछ पहना हुआ था लेकिन फिर भी इतनी ज़ोरों से हवा चल रही थी कि मैं छत पे गई थी वीडियो बनाई थी, अपने गार्डन में गई थी वीडियो बनाई थी. उधर से
हवा बहुत ज़्यादा आता है ना, तो पता नहीं क्या मुझे ठंड लग गई थी क्या लग गई थी, तो बस इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस सिर्फ ठंड लग रही थी, सिर्फ ठंड लग रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज जुम्मा है तो आज मैंने अपना वीडियो बनाया है, ब्लॉग बनाया है। तो अभी टाइम ज़्यादा हो चुके हैं और सुबह मैंने नाश्ते बनाए थे, फिश करी, तो वो फिश करी है। अब चल रहा हूँ मैं ना कि मैं बनाऊँगी मटर पुलाव, क्योंकि बच्चे तो फिश करी खाते नहीं हैं, यही तो उलझन होती है मुझे। जब मछली आएगा तो मुझे बहुत परेशानी होती है। बच्चों को अलग बनाओ कुछ और अपने लिए कुछ अलग बनाओ। तो बच्चे वगैरह तो मछली खाते नहीं है पसंद से, तो अगर मछली बन जाती है घर में तो बच्चे लोग को कुछ और मुझे बनाना पड़ता है। तो चलिए टाइम ज़्यादा हो चुकी है तो अब हम चल रहे हैं फिश फ्राई, मतलब फिश करी तो है, तो सोच रहे हैं कि मटर पुलाव बना देंगे, बच्चे खा लेंगे और फिर देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मुझे मटर वगैरह मैंने दे दिया था, मुन्नी बैठी बैठी छील दी है, तो बस मुझे बनाना है। बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और बहुत ठंड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लग रहा है ना कि एक हफ्ते से धूप निकली ही नहीं है, निकल रही है थोड़ी सी निकल रही है, फिर मतलब अंदर चली जा रही है। तो क्या है कि आज तो बिल्कुल, कल भी नहीं धूप हुई थी, आज तो बिल्कुल धूप नहीं हुई है, और लग रहा है जैसे कि बारिश की टप टप टप, जैसे बारिश होती है ना वैसे ओस पड़ रहा है, कुहासा पड़ रहा है। फ्रेंड्स बस अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर पुलाव। तो बस मैंने कुकर में डाला है रिफाइन ऑयल, उसके बाद दो तेज़पात डाले हैं इसमें, दो बड़ी इलायची डाले हैं, और इसमें मैंने एक प्याज कटा हुआ डाला है और हरी मिर्च डाला है, और डाल करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और अच्छे से हम फ्राई कर लेने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे मटर ग्रीन मटर जो हमने अभी उसको साफ़ से धो लिया है अच्छे से, और डालने के बाद उसको थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है इसमें ग्रीन मटर, और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक, और तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें चावल। तो चावल को भी थोड़ा सा हम डालने के बाद भून लेते हैं, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो बस तो पुलाव मेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उधर मेरा मटर पुलाव बन रहा है, और मटर पुलाव तो अच्छा लगता है खाने में, तो बस बन जाएगा ना तो बच्चे लोग को मैं दे दूँगी खाने के लिए। और आज जुम्मा भी है तो अभी मैंने कपड़े वैसे रखे हैं, क्योंकि कपड़े डालने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े, तो मतलब कपड़े गीले के गीले ही रह जा रहे हैं, सूख भी नहीं रहे हैं ना, मौसम जैसे बारिश की तरह हुआ है। लेकिन ये भी दिक्कत है कि अगर हम कपड़े सुखाएँगे नहीं तो पहनेंगे क्या। चलिए देखती हूँ कब फैला, झट से मेरी सीटी भी अब लगने वाली है, सीटी लग जाएगी तो बस मेरा पुलाव जो है रेडी हो जाएगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side.
hearts. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. गई कपड़े मतलब बरामदे में फैलाई हूँ ना, तो अभी हल्की से धूप निकल गई है और यहाँ बच गए हैं दो, तो फिर मैं ले जाऊँगी छत पर फैलाऊँगी धूप में, तो फिर क्या होगा ना कि फिर लेकर मुझे आना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैं कपड़े छत में मैं ले नहीं गई हूँ, मैं बरामदे में कपड़े फैला दी हूँ, नहीं तो हस्बैंड आएंगे तो कहेंगे जाओ कपड़े लाओ। और फिर मुझे अभी दो बज गए हैं, आज जस्ट अभी ले जाऊँगी थोड़े सूखेंगे फिर जस्ट मुझे लाना पड़ेगा, इसलिए मैं कपड़े ऊपर नहीं ले गई हूँ। हाथ में मैंने मतलब अपने बरामदे में मैंने कपड़े फैला दिए हैं, तो तब तक मेरी जो तहरी है वो भी बन चुकी है। चलिए खा लेते हैं झटपट, और झटपट खा लेने के बाद मिलते हैं, और लाइट भी है तो चलिए जब तक लाइट रहती है ना तो मैं अपना काम करने के बाद जो हीटर है वहाँ बैठती हूँ, थोड़ा गर्मी लगती है, अच्छी लगती है, तो वही चलते हैं। नहीं लिया है और ये मटर पुलाव, और यहाँ पे देखिए मेरा बिस्तर वैसे के वैसे है, और मेरे बिस्तर पर ना जाइएगा आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ना ठंडी पड़ रही है, तो इसके वजह से हम लोग का बिस्तर मतलब ब्लैंकेट दिन भर ऐसे रहता है। हम लोग आते हैं इस पे बैठते हैं, मतलब कि ओढ़ कर बैठते हैं, ओढ़ कर सो भी जाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोगों ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपना जो ब्लॉग है उसका मैं एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ अपने अच्छे से ब्लॉग में, अच्छे से रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।